हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोमिना मैथ क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है रिडक्शन टू स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट या नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में कन्वर्ट होने वाले क्वेश्चन का प्रथम प्रकार मैंने आपको करवाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है जो हमें किस में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सिमिलर है। स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में क्या करना है, हमें उसको कन्वर्ट करके सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा क्वेश्चन या टाइप 2 है रिडक्शन टू स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में कन्वर्ट होने वाला क्वेश्चन दूसरा प्रकार का है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें क्वेश्चन दे रखा है ये वाला क्यू स्केयर वाई स्केयर इक्वल टू जड़ का अंदर मल्टी जड़ स्केयर माइनस पी एक्स जड़, जड़ की पावर 1 एक्स की पावर 1, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 2 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस फॉर्म इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स, क्या कि अगर क्वेश्चन में हमें एक्स स्केयर वाई स्केयर जड़ स्केयर एक्स जेड वाई जेड जेड एक्स इस तरह की टर्म्स दी हुई हो तो उनमें पुटिंग करेंगे स्टूडेंट्स, क्या पुटिंग करेंगे उनमें पुटिंग करेंगे स्मॉल एक्स इक्वल टू ई की कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई इक्वल टू ई की कैपिटल वाई और स्मॉल जेड इक्वल टू ई की कैपिटल जेड, ये वाली पुटिंग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या दे रखा स्टूडेंट्स, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट जो है वो हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, पी क्यू इक्वल टू जीरो, मतलब ओनली वो इक्वेशन होती है जिसमें पी और क्यू की टर्म हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया, समीकरण एक को सोल्व कर लेते हैं। पहले लिख लिया क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे जेड स्क्वायर माइनस पी एक्स जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको इधर ले आए तो यह आ जाएगा क्यू स्केयर वाई स्केयर इक्वल टू, या इधर लेंगे पॉजिटिव तो पी एक्स जेड इक्वल टू जेड स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, इधर क्या रखना है, ओनली आरएचएस में ओनली 1 रखना है, तो जेड स्केयर का नीचे क्या दे लेंगे, दोनों टर्म में भाग दे लेंगे, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इधर इधर आ जाएगा क्यू स्केयर वाई स्केयर अपॉन जेड स्केयर प्लस पी एक्स जड अपॉन जड स्क्वायर इक्वल टू 1, जड से जड कैंसिल हो गया तो इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिख सकते हैं, वाई अपॉन जड वाई अपॉन जड। ये क्यू क्या होता है स्टूडेंट, स्मॉल क्यू जड का स्मॉल वाई के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशियंट होता है, क्यू को क्या लिख सकते हैं, डेल जड अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर पूरे की होल स्क्वायर प्लस P का मान क्या होता है स्टूडेंट्स, मतलब जड का स्मॉल x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है और ये x अपॉन जड है, तो x अपॉन जड P को लिखते हैं डेल जड अपॉन डेल x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला लिख सकते हैं इक्वल टू 1। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है ये एग्जांपल नंबर 5 के सिमिलर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करना है, ओनली क्या करना है, कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ना तो हमें क्या ज्ञात करना है, जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करना है, ओनली जो लाइनें मैंने आपको मेथड भी लिखवाई थी वो लिखनी है लाइनें, अगर पूछे तो जनरल सॉल्यूशन एग्जिस्ट है या नहीं है, सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट है या नहीं है, अगर नहीं पूछा गया है तो ओनली कहां तक करना है, इसका कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करके छोड़ देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका क्या ज्ञात करना है हमें, इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में कन्वर्ट करना है, एक्स और जेड का वाई और जेड का विलोपन करना है, ओनली किस में आना चाहिए हमारा इक्वेशन, स्मॉल पी और स्मॉल क्यू या कैपिटल पी और कैपिटल क्यू में आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने अभी बोलना है कि अगर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स जेड वाई जेड जेड एक्स दे रखे हो तो उनमें क्या पुटिंग करेंगे स्टूडेंट्स, स्मॉल एक्स इक्वल टू ई की कैपिटल एक्स स्मॉल वाई इक्वल टू ई की कैपिटल वाई, क्या पुट करेंगे, पुट स्मॉल एक्स इक्वल टू ई की कैपिटल एक्स स्मॉल वाई इक्वल टू ई की कैपिटल वाई स्मॉल जेड इक्वल टू ई की कैपिटल जेड, ये वाली पुटिंग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, याद ही रखनी है, तो x
इक्वल टू या कैपिटल एक्स इक्वल टू हमारे पास यहां से मान आ जाएगा, इधर लेके आएंगे तो लॉग एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, और कैपिटल वाई इक्वल टू हमारे पास मान आ जाएगा लॉग स्मॉल वाई, कैपिटल जेड इक्वल टू मान आ जाएगा लॉग स्मॉल जेड, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाले मान आ गए यहां से, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर टू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है, समीकरण नंबर ये दो नंबर मान लिया इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है स्टूडेंट्स, इनमें वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास ओनली क्या होना चाहिए, पी और क्यू, या स्मॉल में हमें दे रखा है तो कैपिटल में कन्वर्ट करना है, मतलब कैपिटल पी और कैपिटल क्यू, क्योंकि कैपिटल पी इक्वल टू होगा कैपिटल डेल जेड अपॉन कैपिटल डेल एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको क्या लिख लेंगे, श्रृंखला नियम से इसको लिख लेंगे ऊपर कैपिटल डेल जेड अपॉन स्मॉल, क्योंकि बीच में क्या रखना है, स्मॉल डेल जेड अपॉन स्मॉल डेल एक्स, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशियंट रखना है स्मॉल वाला अंदर, जैसे हमने क्या रखा था लास्ट लेक्चर में बताया था ना, नीचे क्या आ जाएगा कैपिटल डेल जेड, नीचे आ जाएगा स्मॉल डेल जेड, डेल जेड से डेल जेड कैंसिल, अब स्मॉल डेल एक्स बचा है तो ऊपर आ जाएगा स्मॉल डेल एक्स और नीचे आ जाएगा कैपिटल डेल एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा ये वाला कैंसिल, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स बच जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, इनमें वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे यहां से, इधर से मान आ जाए क्योंकि इक्वेशन थ्री से, ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फोर, क्योंकि बाय इक्वेशन थ्री, तीन नंबर समीकरण से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहां से कैपिटल डेल एक्स अपॉन स्मॉल डेल एक्स फाइंड करेंगे, लॉग एक्स का जाएगा वन अपॉन एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, और डेल वाई अपॉन स्मॉल डेल वाई इक्वल टू आ जाएगा वन अपॉन वाई, वाई का स्मॉल वाई के रिस्पेक्ट करेंगे वन अपॉन वाई, जेड का स्मॉल डेल जेड के रिस्पेक्ट करेंगे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, स्मॉल डेल जेड अपॉन स्मॉल डेल जेड इक्वल टू आ जाएगा वन अपॉन जेड, ठीक है स्टूडेंट्स, स्मॉल जेड है वन अपॉन स्मॉल जेड, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या रख लेंगे, मान रख लेंगे समीकरण पांच से समीकरण चार में, मान रखने पर समीकरण पांच तथा चार से वैल्यू पुट कर लेंगे, तो कैपिटल पी इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल जेड अपॉन स्मॉल डेल जेड का मान है क्या है वन अपॉन जेड, तो वन अपॉन जेड, ठीक है स्टूडेंट्स। डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या होता है स्मॉल पी, या इसको एज इट इज रख लिया डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और डेल स्मॉल डेल एक्स अपॉन कैपिटल डेल एक्स है, मतलब इसका अपोजिट मान है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स एक्स हो जाएगा, कैपिटल डेल एक्स अपॉन स्मॉल डेल एक्स का मान है वन अपॉन एक्स, तो हमारे पास क्या अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स अपोजिट हो जाएगा एक्स अपॉन वन, तो यहां से मान आ गया हमारे पास एक्स अपॉन जेड स्मॉल डेल जेड अपॉन डेल एक्स, समीकरण नंबर सिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक मान आ गया हमारे पास, क्या आ गया स्टूडेंट्स समीकरण दो में पुट करना है, एक्स अपॉन जेड स्मॉल डेल जेड अपॉन स्मॉल डेल एक्स इक्वल टू किसके आ गया कैपिटल पी के इक्वल आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। पुनः क्या करेंगे, स्मॉल कैपिटल पी का मान आ गया, अब क्या फाइंड करना है कैपिटल क्यू का मान फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। कैपिटल क्यू इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स कैपिटल डेल जेड अपॉन कैपिटल डेल वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। बीच में क्या रख लेंगे, स्मॉल वेरिएबल वाला पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट रख लेंगे, इधर किसका मल्टीप्लिकेशन डेल जेड का और नीचे स्मॉल डेल जेड का, इधर डेल वाई का और इधर कैपिटल डेल वाई का, ठीक है स्टूडेंट्स। वैल्यू पुट कर लेंगे कहां से, समीकरण पांच से, समीकरण नंबर सेवन, समीकरण पांच तथा सात से, समीकरण पांच तथा सात से वैल्यू पुट करेंगे, क्या जाएगा स्टूडेंट्स क्यू इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या माना जाएगा हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल स्मॉल कैपिटल डेल जेड अपॉन स्मॉल डेल जेड का मान है हमारे पास वन अपॉन जेड, तो वन अपॉन जेड, ये एज इट इज रख लेंगे अंदर वाला वेरिएबल डेल जेड अपॉन डेल वाई, स्मॉल डेल वाई अपॉन कैपिटल डेल वाई, कैपिटल डेल वाई अपॉन स्मॉल डेल वाई का मान है वन अपॉन वाई, हमारे पास क्या है ऊपर स्मॉल डेल वाई और नीचे कैपिटल डेल वाई, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसका अपोजिट हो जाएगा, तो यह आ जाएगा वाई अपॉन वन, तो क्या आ जाएगा हमारे पास क्यू का मान, क्यू इक्वल टू आ गया हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू वाई अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल
वाई। तो ये किसका मान आ गया स्टूडेंट्स, क्यू का मान आ गया। अब वैल्यू पुट करनी है किससे, समीकरण 6 और 8 का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 6 तथा 8 का मान, 8 का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट करेंगे 2 में तो क्या जाएगा स्टूडेंट्स, P किसका मान है x अपॉन z डेल z अपॉन डेल x और Q किसका मान है y अपॉन z डेल z अपॉन डेल y। यही है हमारे पास y अपॉन z डेल z अपॉन डेल y, समीकरण 8 किसका मान Q है, तो यह जाएगा Q स्क्वायर प्लस का साइन है बीच में, x अपॉन z डेल z अपॉन डेल x, समीकरण 6 से कैपिटल P का मान इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, 1 आ गया, जो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट का रूप है। ये किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में कन्वर्ट हो गया, ये जो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट है क्योंकि ओनली पी और क्यू में इक्वेशन है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन मानना है, वही मानना समीकरण 9 मान ली इसको, समीकरण 9 का कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन, कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स, कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या मानते हैं, कैपिटल जेड इक्वल टू ए कैपिटल एक्स प्लस बी कैपिटल वाई प्लस सी, क्यों, क्योंकि हमारे पास कैपिटल वेरिएबल है, स्मॉल वेरिएबल तो हमने छोड़ दिए पीछे, अब हमारे पास क्या है कैपिटल वेरिएबल है। अब क्या करना है समीकरण 10 का स्मॉल कैपिटल डेल एक्स और कैपिटल डेल वाई के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करना है, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां से हमारे पास मान आ जाएगा कैपिटल डेल जेड अपॉन कैपिटल डेल एक्स इक्वल टू कैपिटल पी इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए, ये हमने मान लिया तो इसका मतलब कैपिटल पी इक्वल टू ए और कैपिटल क्यू इक्वल टू बी, तथा डेल जेड अपॉन कैपिटल डेल वाई इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास क्यू इक्वल टू बी। 11 नंबर समीकरण 11 का मान समीकरण 10 में पुट कर लेंगे, क्या जाएगा स्टूडेंट, समीकरण 11 का मान समीकरण 10 में रखने पर, समीकरण 10 एंड 10 एंड 11 से, ठीक है स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट कर लेंगे ए और बी, जेड इक्वल टू क्या जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, इसमें वैल्यू बी का मान रखना है, समीकरण 9 तथा 11 से, 10 से नहीं समीकरण 9 तथा 11 से, क्यू इक्वल टू तो हमें पुट करना है बी और P इक्वल टू हमें क्या रखना स्टूडेंट्स A, तो यहां से क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 1, बी का मान पुट करना है तो यहां से बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस ए, ये वाला किसका मान आ गया स्टूडेंट्स, बी का मान आ गया, बी का मान समीकरण 10 में रखने पर कहां रखेंगे, कंप्लीट इंटीग्रल जो मानना है उससे बी का विलोपन करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो समीकरण 10 में बी का मान रखने पर, बी का मान समीकरण 10 में रखने पर, 10 में पुट करेंगे तो आ जाएगा कैपिटल जेड इक्वल टू ए कैपिटल एक्स प्लस बी, बी का मान है रूट ऑफ प्लस का साइन है रूट ऑफ 1 माइनस ए और इनटू कैपिटल वाई प्लस सी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया कंप्लीट इंटीग्रल आ गया। फिर क्या करना है स्टूडेंट्स, कैपिटल जेड कैपिटल एक्स कैपिटल वाई का मान रखना है, जो हमारे पास क्या है लॉग एक्स लॉग वाई और लॉग जेड है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या जाएगा लॉग स्मॉल जेड इक्वल टू ए स्मॉल एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस ए लॉग स्मॉल वाई प्लस सी, ये क्या आ गया स्टूडेंट्स इसका, ये आ गया इसका कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा क्या आ गया, ये सॉल्यूशन आ गया, जो क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में रिडक्शन होने वाला क्वेश्चन है सेकंड प्रकार का, इसके सिमिलर ही क्या है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है स्टूडेंट, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड में भी कन्वर्ट हो सकता है, अगर उस फॉर्म से हम अगर इसको करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, अलग आएगा, परंतु हमने इसको किस में कन्वर्ट किया स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में कन्वर्ट किया है, तो हमारा क्वेश्चन क्या, हमारा आंसर क्या आ गया इसका कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन, ये वाला आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके दो क्वेश्चन बच गए, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, जो ऑन किस में दे रखे स्टूडेंट्स, जो स्मॉल पी और स्मॉल क्यू में दे रखे हैं,
मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में दे रखे हैं उनका ओनली हमें क्या मानना है, उनका हमें ओनली कंप्लीट इंटीग्रल मानना है और बी का विलोपन करना है। विलोपन करते ही क्या आ जाएगा, उनका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ए एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।